बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मैं दोनों सब्जेक्ट के एक ही में क्वेश्चन लेने वाली हूँ जो कि आज हम देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं हम आज कौन सा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने स्किन के ऊपर लिया है, तो मैंने एक स्किन का क्वेश्चन पुट ऑन किया है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन लेने वाली हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है और जो हमेशा आते हैं और आ सकते हैं आगे वाली एग्जाम में। तो ये जो क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ इसके साथ साथ आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज। तो कल ही मैंने आपको स्किन के बारे में थोड़ा सा बहुत बता दिया था कि स्किन की लेयर कौन सी होती है, तो कल ही देख दिया था। तो वो आप मेरे वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। तो ये लेयर्स मैंने कल ही बता दिए थे कि कौन सी लेयर है करके। तो ये क्या सुपरफिशियल लेयर मैंने बोला था, एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है, फिर सबक्यूटेनियस है, फिर मैंने बोला था फैट है। तो ये मैंने कल ही आपको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों आप ही समझ जाओगे कि फर्स्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कौन सी है, तो एपिडर्मिस है। तो आप क्या करोगे, कल डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा कौन है, एपिडर्मिस है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिए आपको ये कैसे चूज करना है क्वेश्चन। आपको ध्यान में रखना है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है। उस तरीके से अगर आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आपको समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या है। जो भी क्वेश्चन अगर अल्टरनेटिव पूछा है, पहले सुपरफिशियल पूरा फिर पूछा, फिर डर्मिस के नीचे वाली कौन सी है पूछेगा, कभी कभी पूछेगा सबक्यूटेनियस के नीचे वाली कौन सी है, सबक्यूटेनियस के ऊपर वाली लेयर कौन सी है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं अल्टरनेटिव। तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय। ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन के जो भी आपको मैंने ऑप्शन दिए हैं वो सारे आपको लगेंगे कि ये सेम ही तो है, क्वेश्चन में ऑल कर देती हूँ, बट ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय, कलर ऑफ स्किन जो है वो अफेक्टेड करती है कौन से, किससे अफेक्टेड होती है कलर ऑफ स्किन। अब देखो मैं आपको बताऊंगी कि आपको सारे ऑप्शन सही लगेंगे यहाँ पे। मेलानिन हमारे बॉडी में मेलानिन प्रोड्यूस होता है ज्यादा, तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखता है हमको। अगर मेलानिन प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है तो किसी किसी की स्किन ब्लैकिश टाइप दिखती है, और जिसके बॉडी में मेलानिन कम है उसकी स्किन थोड़ी फेयर दिखती है। तो ये कलर स्किन का हमको किससे पता चलता है, मेलानिन से। अभी देखो लेवल ऑफ एज भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल ऑफ एज भी से हाँ पेल दिखता है चेहरा, हाँ स्किन इससे भी अपनी क्या हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है। दूसरा आपके मन में आ जाएगा बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट जैसे आपको जॉन्डिस हुआ है, हाँ उससे भी तो कलर चेंज होता है स्किन का, तो जॉन्डिस ये भी बराबर है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन ऑल कर दोगे, बट ये गलत है। जब हमको कोई डिसीज कंडीशन होती है तब हमारे ये लेवल ऑफ एज भी या फिर बाइल पिगमेंट की वजह से स्किन का कलर चेंज होता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल स्किन का कलर हमारा चेंज हो गया है, कलर फेयर और या फिर ब्लैकिश दिख रहा है, ब्राउनिश दिख रहा है, वो किस वजह से होता है, हमारा मेलानिन की वजह से होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है मेलानिन। तो आपको समझ आया होगा, चलो अभी देखो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पिगमेंट मेलानिन इज सिक्रेटेड बाय। आपको मेलानिन के बारे में तो पता दिया कि मेलानिन क्या करता है, कलर चेंज करता है स्किन का, बट ये मेलानिन सिक्रेट कौन करता है आपको वो पता रहना चाहिए। कभी ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो देखो कौन करता है, इरेथ्रोसाइट करता है क्या, लिम्फोसाइट करता है क्या, ल्यूकोसाइट करता है क्या, नहीं। इरेथ्रोसाइट्स मीन्स क्या होता है, आरबीसीस। ल्यूकोसाइट मीन्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट्स मीन्स आपको तो पता ही होगा, लिम्फ। कलरलेस हो लिम्फ, कलरलेस डब्ल्यूबीसी, कलरलेस आरबीसी, कलरलेस लिम्फ्स। तो ये सारी चीज़ें हमको सीक्रेट नहीं करती, आपको पहले ही बताया मैंने कौन करता है, मिलानिन। मिलानिन पिगमेंटेशन ये करता है मिलानोसाइट। कौन करता है, मिलानोसाइट करता है, ध्यान में रखिए आप। मिलानिन पिगमेंट, मिलानिन कौन सीक्रेट करता है, मिलानोसाइट। एकदम इजी है ध्यान में रखने के लिए कि पिगमेंट मिलानिन कौन सीक्रेट करता है, मिलानोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट पार्ट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑकर थ्रू दी मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट अपने बॉडी का जो है वो हीट लॉस करता है। कौन सा ऐसा ऑर्गन या फिर कौन सी ऐसी
जगह है जो ज्यादा हीट लॉस करती है अपने बॉडी में की, कौन करता है? लंग्स करता है, किडनी करती है, स्किन करती है, ब्रेन। कोई कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ लंग्स करता है, जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करता है तो इसको बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो एनर्जी लॉस हो सकती है भाई। दूसरा किडनी, किडनी भी कर सकती है भाई, किडनी को कितना काम है, सर्कुलेटिंग करना है बॉडी में, बॉडी प्योरिफिकेशन करना है, ब्लड को यूरिन बाहर निकलना है, शायद ये भी कर सकती है। सोचने वाला बंदा हर तरीके से सोच सकता है। स्किन, स्किन के बारे में लोग ज्यादा नहीं सोचेंगे, उनके मन में सिर्फ स्वेट ही आएगा। और चौथा है ब्रेन। हाँ भाई, हम लोग ब्रेन को बहुत सारी एनर्जी लगती है दिन में काम करने के लिए, बहुत सारी एनर्जी के लिए ब्रेन में ग्लूकोज होना जरूरी है, सारी एनर्जी कौन ले लेता है? ब्रेन। तो हाँ भाई, ब्रेन भी हो सकता है, लेकिन कंफ्यूज कभी नहीं होना, इसका मेन राइट आंसर है स्किन। स्किन हमारी जो है वो सबसे ज्यादा हीट लॉस करती है थ्रू स्वेट। आपको हमेशा याद रखना है सारे ऑर्गन में से कौन सा ऑर्गन मेन है जो हीट लॉस करता है, वो है स्किन। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो आप बोलोगे कि मैडम आपने बता दिया है कि स्वेट ग्लैंड जो है उससे क्या होता है, हमारी हीट लॉस होती है, बट स्वेट ग्लैंड आई कहाँ से, उसको स्टिमुलेट कौन करता है? तो चलो देखते हैं, और वो कैसी होती है। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट कौन करता है? बाय बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजिंग। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, मीन्स स्टिमुलेशन होता है उसका। सेकंड, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। जब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तब स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, या फिर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। बॉडी टेम्परेचर अगर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ही है, उसका टेम्परेचर ना बढ़ा है ना कम हुआ है, तब हमारी स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है क्या? या फिर पर्सन इज स्लीपिंग, जब हम सो के रहते हैं तब हमारी स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होती है? तो नहीं, इसका मेन आंसर है हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी स्वेट ग्लैंड क्या होती है? स्टिमुलेट होती है। और स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होने के कारण क्या होता है? बॉडी में से जो हीट निकलती है उसका वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होने के बाद हमको क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड और स्वेटिंग जो है हमको आती है। तो बच्चों समझ गया इसका फिजियोलॉजी कैसी है। तो ये हमारा जब भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्वेट ग्लैंड क्या होती है? स्टिमुलेट होती है, और उसके कारण हमको क्या आती है? स्वेटिंग आती है। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है इपिडर्मिस इज द थिकेस्ट ऑन दी। इपिडर्मिस लेयर जो है वो सबसे ज्यादा थिकेस्ट क्या है, आपको क्या लगता है कहाँ पे होंगी? आपको क्या लगता है बच्चों? चलो देखते हैं अब क्या है। तो फर्स्ट ये इन्होंने दिया है एल्बो, सेकंड इन्होंने दिया है पाम ऑन हैंड्स एल्बो, थर्ड दिया है फिंगर्स, और फोर्थ दिया है हेड। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? तो देखो एल्बो में हमारा उतना क्या नहीं है, इपिडर्मिस लेयर नहीं दिखता है। देखिए आप हाथ लगा के देख सकते हैं, उतना फैट्स भी नहीं है और लेयर्स इपिडर्मिस की नहीं दिखती। पाम ऑन हैंड्स, हाँ पाम ऑन हैंड्स में इपिडर्मिस लेयर हमको दिखती है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, फिंगर्स और हेड। हेड में हमको नहीं दिखती है, हेड हार्ड है, फिंगर्स में भी नहीं दिखती है। तो कहाँ दिखती है हमको? पाम ऑन हैंड्स। तो पाम ऑन हैंड्स में हमको क्या दिखती है? इपिडर्मिस थिकेस्ट ऑन पाम ऑन हैंड में हमको ज्यादातर इपिडर्मिस लेयर दिखती है। तो इसका राइट आंसर है पाम ऑन हैंड। देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, सब्सटेंस दैट कीप द हेयर सॉफ्ट एंड फाइलेबल एंड गिव शाइनी अपेयरेंस इज नोन एज। तो क्या है ऐसा, कौन सा सब्सटेंस है जो क्या करता है, अपने हेयर को सॉफ्टनेस देता है, शाइनी अपेयरेंस दिखाता है? तो वो है हमारा सीबम। क्या है हमारा सीबम? सीबम हमको क्या दिखता है? शाइनी लुक देता है। आपको स्वेट कभी शाइनी लुक देता है क्या? नहीं। स्वेट से क्या होते हैं, हमारे बाल वगैरह गीले हो जाते हैं, वो सिर्फ मीन्स क्या देता है, एकदम पानी पानी जैसा दिखता है। ठीक है, तो वाटर ही दिखता है, लेकिन उससे क्या होता है, शाइनी नहीं दिखते हैं, सीरम भी नहीं, ऑल ऑफ अबव नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? सीबम होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछता है हमको, इन ह्यूमन बॉडी सीबेशियस ग्लैंड आर नॉट फाउंड एट। ह्यूमन बॉडी में जो है सीबेशियस ग्लैंड है वो कहाँ फाउंड नहीं होती है? तो एक्जिला में फाउंड नहीं होती है, या फिर पाम ऑफ द हैंड में नहीं फाउंड होती है, या फिर सोल ऑफ फीट में नहीं फाउंड होती है। तो कहाँ नहीं फाउंड होती है? बी और सी, ऑप्शन डी राइट है, बी और सी, पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट। पाम ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ फीट में क्या नहीं होती है? सीबेशियस ग्लैंड फाउंड नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है हमको, कि द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्ड इज नोन एज।
द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप्स इज नोन एज जायगोट। एक जो सेल है वो ह्यूमन बॉडी डेवलप करता है, वो कौन सा सेल डेवलप करता है? ह्यूमन बॉडी। सेल कौन सा डेवलप करता है? ह्यूमन बॉडी। बॉडी तो वो करता है जायगोट। जायगोट सेल क्या करता है? ह्यूमन बॉडी डेवलप करता है। देखो ओवरी होती है हमारे इसमें पहले ही, और क्या होता है, फीमेल गोनाड्स और मेल टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म जनरेट करते हैं, और फीमेल ओवरीज क्या करती है? एग करती है। तो ये दोनों का फर्टिलाइजेशन होके क्या होता है? जायगोट तैयार होता है। तो वो भी क्या है? एक सेल है। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कौन सा एक न्यू सेल डेवलपमेंट करते हैं हम लोग? वो सेल है जायगोट। ठीक है, आपको समझ में आया? बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनली ऑफ ए सेल। जो ये हमारी सेल है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, डीएनए है, आरएनए है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी न्यूक्लियस है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सेल में मौजूद है, तो उसमें सबसे बड़ी ऑर्गेनेलीज कौन है? बड़ा ऑर्गेनेलीज लार्जेस्ट कौन सा सेल है, क्या है? तो वो है हमारा न्यूक्लियस। सबसे लार्जेस्ट कौन रहता है सेल में? न्यूक्लियस रहता है। याद रखने में बहुत ही इजी है कि न्यूक्लियस क्या करता है? सबको क्या करता है? कंट्रोलिंग में रखता है हर जगह। तो वो कंट्रोल में रखने वाला इंसान कभी भी क्या होता है? बहुत पावरफुल होता है। तो न्यूक्लियस क्या है हमारा? पावरफुल है, इसका मतलब वो लार्जेस्ट है। याद रखने में आपको बहुत इजी जाता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है बोलता है हमारा क्वेश्चन, तो चलो बढ़ते हैं आगे। विच बॉडी सेल कंटेन नो न्यूक्लियस। ऐसी कौन सी बॉडी की सेल है जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है? तो वो है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल में है WBC। WBC में भी न्यूक्लियस है। RBCs आप हमेशा कंफ्यूज होंगे, WBC में आया RBC में। तो RBC में नो न्यूक्लियस, RBC नो न्यूक्लियस, RBC नो न्यूक्लियस, याद में कैसे रखोगे? RBC नो न्यूक्लियस, ऐसा सेंटेंस ही बना लेना। RBC जो है नो न्यूक्लियस। तो कौन है? RBC जो है उसमें क्या रहता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। स्केलेटन मसल में रहता है, WBC में भी रहता है, मोनोसाइट्स में भी रहता है, बट किस में नहीं रहता है? RBC में नहीं रहता है। कैसे याद रखोगे? RBC नो न्यूक्लियस, RBC नो न्यूक्लियस। मैंने जिस तरह याद रखा है आपको भी वैसे ही याद रखना है, RBC नो न्यूक्लियस। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेल ऑर्गेनेल व्हिच रिलेटेड टू सिंथेसाइज ऑफ ATP। ATP को सिंथेसाइज, सेल का ऑर्गन ऐसा कौन सा है जो ATP को सिंथेसाइज करता है? तो अभी मैंने कल के वीडियो में, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि राइबोसोम्स के बारे में सब कुछ बताया है। तो मैंने पहले ही बताया था राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और ये जो आपको बताती हूँ, ये राइबोसोम्स है, समझ जाओ ये क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री है। यहाँ पे प्रोटीन बनता है, बट प्रोटीन बना तो है, उसको पैकिंग करने के लिए, उसको सजाने के लिए कौन काम करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कौन काम करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। कौन किसको? प्रोटीन को। और दूसरा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करता है? ये जो साइकिल है हमारी सेल्स की, उसको न्यू सिंथेसाइज करता है, नई तरीके से बनाता है। और जो भी प्रोटीन हमारा स्टोर हुआ है, ATP जनरेट हुई है, एनर्जी जनरेट हुई है हमारी, वो स्टोर कौन करके रखता है? हमारा सबसे बड़ा अच्छा वाला फ्रेंड सेल का, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी। लाइजोसोम्स क्या करता है? रिसाइकलिंग करता है हमारे सेल को। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन फैक्ट्री है। और प्रोटीन बनने के बाद जो भी चीज़ अगर बनती है फैक्ट्री में, उसको तो पैकेजिंग करना ही पड़ेगा, तो वो पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि सिंथेसाइज कौन करता है? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या बोलता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं अभी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है? दे फॉर्म प्रोटीन। नहीं भाई, प्रोटीन तो ये राइबोसोम ने किया है।
दे सिंथेसाइज लिपिड, इसके बारे में सोच सकते हैं। दे सिंथेसाइज एटीपी, एटीपी भी माइटोकॉन्ड्रिया ने किया है। आपको देखो कैसे क्वेश्चन याद रखना है, जो एनर्जी है वो किसके पास रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, मीन्स एटीपी कहाँ जनरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोटीन के बारे में तो आपको पहले ही बताया है कि जो राइबोसोम्स है वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है। रहा कौन है हमारा, लिपिड, ये एक बचा है भाई, इसका मतलब क्या हो सकता है ये। तो आपको क्या समझ, क्या आंसर मिला है, लिपिड, दे सिंथेसाइज लिपिड। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसाइज क्या करता है, लिपिड को सिंथेसाइज करता है। देखिए आपको क्वेश्चन देखते बराबर ही अगर आपको दूसरे आंसर पता है रिलेटेड क्वेश्चन के, तो आप इजीली उसका ऑप्शन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये किसके बारे में दिया है, टिश्यू के बारे में दिया है, टिश्यू के बारे में। तो चलो देखते हैं क्या है, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा है, देखिए तो क्या है, अबंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है, आपको क्या लगता है, एपिथेलियल सेल या कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स या फिर नर्वस, मीन्स नर्वस सिस्टम वाले, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, तो सबसे ज्यादा कौन से है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, देखिए बॉडी में बहुत सारी जगह कनेक्टिव टिश्यू का यूज होता है, तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ज्यादातर हमको जॉइंट्स एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए या फिर स्किन में हर जगह हमको क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा दिखता है। तो क्या याद में रखना है हमेशा, कनेक्टिव टिश्यू। चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों की नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है 15 नंबर का, द फॉलोइंग विच सब्सटेंस इज नॉट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, मीन्स जाता नहीं है सेल मेम्ब्रेन के, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, मीन्स ब्रेकडाउन करके बाहर नहीं जाता है सेल मेम्ब्रेन के। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, तो फैटी एसिड दिया है यहाँ पे ऑप्शन में, ऑक्सीजन दिया है, ग्लूकोज दिया है, स्टेरॉइड दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या नहीं करता है, वो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। जब सिंपल डिफ्यूजन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तब ग्लूकोज क्या करता है, बाहर नहीं जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, किसके अगेंस्ट, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से हमारा क्या बोल रहा है, विच सेल ऑर्गेनली इज हेल्पफुल इन एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स क्या होता है, एक्सपेल मटेरियल फ्रॉम सेल इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मीन्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सपेल मटेरियल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो क्या करता है, जो सेल में जो मटेरियल होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर जाता है, उसके अपोजिट में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या करता है, एक्सपेल नहीं करता है, इनहेल करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इनहेल ही करके रखता है, अंदर ही रखता है, और एक्सोसाइटोसिस क्या करता है, बाहर फेंकता है। तो कौन सा सेल है जो कि, कौन सी ऑर्गेनली है जो कि ये काम करता है, वो है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के बारे में इसके पहले भी बताया है कि ये पैकेजिंग का काम करता है। इसका मतलब क्या करता है, पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बाद सिंथेसाइज होने के बाद, प्रोटीन बनने के बाद कहाँ जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास, गोल्गी एपरेटस के पास, किसके लिए, पैकिंग करने के लिए। जब पैकिंग करने का टाइम आता है तो वो क्या करता है, हेल्पफुल करता है किसको, एक्सोसाइटोसिस को। एक्सोसाइटोसिस हेल्पफुल किसके करता है, गोल्गी एपरेटस को करता है। तो समझ में आया दोस्तों कि ये कैसा होता है, इसका फिजियोलॉजी क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर का, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जब होती है बॉडी में, अगर हमको कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ हाथ कट जाता है या फिर कहीं लग जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है वो इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। तो चलो देखते हैं, रेनिन तो नहीं करता है, ये हाइपरटेंशन के लिए यूज हो जाता है, यहाँ इससे बीपी वगैरह बढ़ता है। हिपेरिन किस चीज के लिए यूज होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है विटामिन के, हिपेरिन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। उसके साथ साथ हिस्टामिन है एलर्जिक रिएक्शन कंडीशन को कंट्रोल करता है। तो हमको आंसर तो मिल गया, लेकिन देखते आगे और क्या है। थायरोक्सिन क्या करता है आपको तो पता है,
थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है थायराइड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा। चार ऑप्शन दिए हैं, तीन ऑप्शन जो ऐसे है कि जो इसके रिलेटेड नहीं है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के। हिस्टामिन क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर, ये आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हिस्टामिन, हिस्टामिन क्वेश्चन नंबर ये आंसर सी। तो हमारा हिपेरिन नहीं रहेगा, रिनिन नहीं रहेगा और थायरॉक्सिन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, इन फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा नीचे दिए हुए ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑर्गन है, जो कौन सा सिस्टम है जो कि क्या नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। तो लैरिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लैरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है। आपको ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है, तो लैरिंग्स को कहा जाता है। लैरिंग्स, फेरिंग्स और ब्रोंकिया ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। मैंने बताया था मेरे पिछले वीडियो में, आप बैक में जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें कि माउथ से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक होता है, लंग्स, लंग्स जहाँ पे स्टार्ट होते हैं, ब्रोंकस जहाँ पे स्टार्ट होता है, ब्रोंकिया तो वहाँ तक क्या होता है, हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, और उसके बाद क्या होता है, ब्रोंकस के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। तो ईसोफेगस इसमें नहीं है, ईसोफेगस इज द अदर पार्ट। ठीक है, तो ईसोफेगस नहीं है हमारा रेस्पिरेटरी का पार्ट। तो हमारा रेस्पिरेटरी का पार्ट क्या होता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ब्रोंकाई, ये सारे हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी के पार्ट है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, विच इज नॉट, हमेशा आप ये देखिए एक्सेप्टेड और एक्सपेक्ट और इज नॉट, ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने के लिए डालते हैं। तो इज नॉट आया है तो ऐसा कौन सा नहीं है, तो नहीं है तो वो है हमारा ईसोफेगस। समझा बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे तो क्वेश्चन नंबर 19, तो क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बाय विच कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स एडम्स एप्पल इज फॉर्म। एडम्स एप्पल जो है वो किस कार्टिलेज में फॉर्म होता है, तो देखते हैं। देखिए जो हमारा थायराइड है, थायराइड कैसे बटरफ्लाई शेप में हमको दिखता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, तो बटरफ्लाई शेप को ही हम लोग क्या करते हैं, एडम्स एप्पल करते हैं कहते हैं। तो वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है थायराइड के पास। कहाँ पे फॉर्म होता है, थायराइड के पास। अब एक बार एनाटॉमी देख लीजिएगा, वो कहाँ पे फॉर्म होता है, थायराइड के पास फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, बार बार कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग से इसको आराम से सॉल्व करना। चलो देखते हैं, इन फॉलोइंग विच ऑर्गन इज नोन एज वाइंड पाइप, वाइंड पाइप, वाइंड पाइप, वाइंड पाइप को किसे कहते हैं, वाइंड पाइप जो है वो किसे कहते हैं, वो किसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको ट्रकिया को। ट्रकिया को क्या करते हैं हम, वाइंड पाइप। ट्रकिया को इसलिए वाइंड पाइप कहते हैं, वहां से क्या जाती है, एयर जाती है। ठीक है, वाइंड पाइप से क्या जाती है, एयर जाती है, उसीलिए इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्रकिया को वाइंड पाइप कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है और हमेशा आता है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो बनाने के लिए।